तो दोस्तों, हमने एक पहले वीडियो में फंगल इन्फेक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। नाउ आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, अगर आपको बार बार वो रिकरेंट हो रहे हैं, एक बार भी आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया वापिस आ रहा है, बराबर, आपको जानना है कि क्या रीजन है उसकी वजह से ये बार बार वापिस आ रहा है, उसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर किरण चौटालिया, I am from Urban Skin and Hair Clinic. I am a dermatologist and hair transplant surgeon. तो फंगल इन्फेक्शन आजकल इंडिया में बहुत कॉमन हो गए हैं। काफी लास्ट 5 या 6 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट को जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है, हम कुछ दवाइयां और ट्रीटमेंट देते हैं, वो फॉलो करते हैं, ठीक होता है, कुछ ही महीने में वो वापिस आते हैं। सर ये वापिस रिपीट हो रहा है, ये मेरा फंगल इन्फेक्शन जा ही नहीं रहा है, मैं आपके पहले भी 2 बार डॉक्टर्स को मिल चुका हूँ, उन्होंने भी दवाइयाँ दी, मेडिकल से मैंने दवाइयाँ ली, वो भी ट्राई की, वो भी सारी हमने यूज की, कुछ टाइम तक आराम रहता है, वो वापिस आ रहा है। तो दोस्तों आप जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों बार बार हो रहा है आपको। तो दोस्तों कुछ फैक्टर्स ऐसे है कि जो लोग 5 या 10 साल में इंडिया में चेंज हुए हैं, लोगों की रहने की, खाने की, कपड़े पहनने की आदतें चेंज हुई है, और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन हो गया है। जैसे कि कोरोना एक है कि एक वायरस में एक थोड़ा म्यूटेशन आ गया और वो चेंज होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में वो इन्फेक्शन फैलने लगा। ऐसा नहीं था कि कोरोना नया वायरस है, वो पुराना ही वायरस है, उसमें हल्का चेंज आ गया और पूरी दुनिया को वो अफेक्ट करने लगा। सेम फंगस में भी कुछ चेंजेस आए हैं, और दूसरा हम लोगों की रहने करने की और खाने पीने की और कपड़े पहनने की आदतों में चेंजेस आए हैं, तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं। तो सबसे पहला क्या चेंज आया है कि अपनी टॉयलेट यूज करने की कल्चर। पहले लोग इंडिया में जो इंडियन टाइप के टॉयलेट्स और वो यूज करते थे, जिसमें जब भी लोग वो पोजीशन में बैठते थे तो वो स्किन है वो नीचे सरफेस में कांटेक्ट में नहीं आती थी, पर अभी वेस्टर्न टाइप के टॉयलेट का कल्चर बढ़ गया है, खास करके अर्बन एरियाज में। तो जब से ये हुआ है कि लोग का जो टॉयलेट की सीट में कॉन्टेक्ट ज्यादा आता है, तो डायरेक्ट इन्फेक्शन प्राइवेट पार्ट में वो एंटर होते हैं, और लोगों को प्राइवेट पार्ट्स में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन ये रीजन से होने लगे हैं। तो जब भी अगर आप कहीं पे यूज कर रहे हो ऐसे टॉयलेट, तो प्रिफर कीजिए इंडियन टाइप ऑफ टॉयलेट, ताकि आप इन्फेक्शन कम एनकाउंटर करो। सेकंड है कि अपनी जो क्लोथिंग हैबिट्स है वो चेंज हुई है। पहले लोग धोती और लुंगी पहनते थे, जैसे कि अगर आप इंडिया में आप कल्चर वाइज देखो तो महाराष्ट्र और हम जहाँ पे प्रैक्टिस करते, पहले धोती यूज होता था, कॉटन का कपड़ा रहता था, लूज कपड़े रहते थे, ताकि अगर हम ट्रॉपिकल एरिया में हमें पसीना खास करके प्राइवेट पार्ट स्किन के बॉडी फोल्ड में ज्यादा आए तो सूख जाए। बट अभी हम लोग जीन्स ज्यादा प्रीफर करते हैं, साड़ी ज्यादा प्रीफर करते हैं, जो नॉट ओनली कॉटन बट सिल्क और ऐसे मटेरियल्स की बनी हुई रहती है। जो भी कपड़े हैं अपने अंडरगारमेंट से, वो भी वी शेप एंड टाइट हो गए, मीन्स काफी सारे लोग वी शेप अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, जबकि पहले लूज कॉटन के ट्राउजर या बॉक्सर टाइप के क्लोथ्स रहते थे। इन सब की वजह से क्या हुआ है कि कुछ एरिया में जहाँ पसीना होता है, वो पसीना भी सूखता नहीं है, प्राइवेट पार्ट्स में, बॉडी फोल्ड्स में जो पसीना आ रहा है वो जमा होता जाता है, पूरे दिन में 24 घंटे में वो पसीना जमा होता जाता है, और ये एक आइडियल एनवायरनमेंट है फंगस को ग्रो करने का। तो आपको फंगस को अपॉर्चुनिटी देनी नहीं है, तो आपको ये हैबिट चेंज करनी रहेगी। सेकेंड इज द क्लॉथिंग हैबिट। डेली लाइफ एक्टिविटीज में चेंज आया है, जैसे कि आप देख रहे हो लास्ट 5 साल या 10 साल में लोग जिम ज्यादा जाने लगे, तो ऐसी जहां पे जिम और ऐसे जो एक्टिविटीज है, स्पोर्ट एक्टिविटीज बढ़ गई है, लोग साइकिलिंग और ऐसे ग्रुप्स में जाते रहते हैं, तो ये एक्टिविटीज की वजह से वहां से इन्फेक्शन जल्दी मिलता है। अब जिम में ऐसा तो नहीं है कि किसी ने वो इंस्ट्रूमेंट यूज किया, डंबल उठाए, उसने खुजली की अपने फंगल वाले पैचेस में, फिर वापस डंबल उठाया, उसने अपना टावल पसीने वाला कहीं पे रखा, तो ये सब जगह पे इन्फेक्शन होता है। अब हर बार 2-5 सेकंड में कोई वॉश करने पे जाता नहीं, उसके बाद आप यूज करते हो तो आपको वो इन्फेक्शन एनकाउंटर होता है। तो अगर आप जिम या ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपकी चीजें सेपरेट रखो, घर पे आके तुरंत नहाने की आदत डालो, ये सारी चीजें करने से आप उससे बच सकते हो। काफी लोगों को अभी ओबेसिटी है और वेट गेन होने लगा है, पहले से लोगों का जो बॉडी का फिजिक्स है वो चेंज होने लगा है, लोगों का मोटापा, डायबिटीज, ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे। इसकी वजह से होता क्या है, अपने स्किन के जो फोल्ड होते हैं प्राइवेट पार्ट्स में, अंडर आर्म्स में, ब्रेस्ट के नीचे है, ये सारे एरिया में पसीना ज्यादा जमा होता है, स्किन फोल्ड ज्यादा सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो वहां पर आइडियल एनवायरमेंट ज्यादा मिलता है, दस लोगों की इम्यूनिटी इसकी वजह से कम होती जाती है, तो वहां का स्किन का प्रोटेक्शन है फंगस के सामने फाइट करने का कम हो रहा है, इसकी वजह से आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपको भी ओबेसिटी, डायबिटीज ऐसी चीजें, तो उसको अच्छे से मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है। और एक चीज है दोस्तों, रॉन्ग कॉस्मेटिक या क्रीम का यूज करना। अभी एक इंडिया में कल्चर है कि लोग डॉक्टर्स के पास छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए जल्दी जाते नहीं, अरे यार छोटा सा फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए क्या डॉक्टर की फीस दूर जाए,
तो लोग डायरेक्ट परचेस करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। कई बार ये सही रहता है अगर आपका केमिस्ट आपको सही दवाई दे रहा है, पर मेजोरिटी जो केमिस्ट की शॉप है वहां पे जो फंगल इन्फेक्शन के क्रीम मिल रहे हैं उसमें स्टीरॉयड मिला रहता है। स्टीरॉयड एक ऐसी चीज है दोस्तों कि जो आपको क्रीम्स जो है स्टीरॉयड की जो क्रीम्स मिलती है वो एक्जिमा सोरियासिस जैसे इश्यूज में यूज होती है, जहां इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही हो उसकी वजह से उसको शांत करना पड़ता है, उससे रिलीफ लेने के लिए यूज होता है। तो सेम क्रीम अगर आप फंगल इन्फेक्शन में यूज करोगे तो वो फंगस को नहीं मारेगी, बट जो अपनी इम्यूनिटी फंगस के सामने लड़ रही थी उसको डिप्रेस कर देगी, उसको सप्रेस कर देगी, तो वो फंगस को ग्रोथ होने के लिए और एनवायरनमेंट मिलेगा और बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि वो इम्यूनिटी जो फाइट कर रही थी कम हो जाएगी। मीन्स आप फंगस के सामने अपनी इम्यूनिटी डाउन कर रहे हो अगर आप स्टेरॉइड्स की क्रीम लगा रहे हो। डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि यार जैसे ही वो क्रीम लगा रहा हूँ मैं, दो तीन दिन में इतनी अच्छी रिलीफ मिल जाती है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी काम करना बंद कर देती है, तो आपको रिएक्शन नहीं आते उसकी वजह से। बट लॉन्ग टर्म पे वो फंगस को बढ़ावा देती है। आपको एक एरिया में फंगस था तो दूसरी जगह तीसरी जगह होगा वो तो ठीक है, घर में दूसरों को भी हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये जो एक रीजन है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना, आपको गलत क्रीमें नहीं यूज करनी। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक टिप्स थे एंड फैक्टर्स थे, आप फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट और रिकरेंस से बचने के लिए आप ये टिप्स का यूज कीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा आपका फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। और कुछ आपको चाहिए जानकारी तो हमें डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, कॉल कीजिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।